हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये देखिए मॉर्निंग हो चुका है हमारा, और ये मॉर्निंग का नहीं है, बिल्कुल नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, बच्चे को मैं रेडी करने के बाद ये सब काम में लग गई थी। और ये मैं आज गैस स्टोव अपना पूरा डीप क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि रात में हमारे यहाँ बन गया था चिकन, इस वजह से मुझे ये सब आज सुबह ही करना पड़ा। तो पहले मैं क्लीन कर लूँगी। तो मोस्टली किचन का काम मेरा हो चुका था और कोमल भी चली गई थी, बस बाबू रह गया था। तो ये देखिए बाबू भी रेडी लगभग हो ही गया था, बस अपना ये स्किन रूटीन जो है बढ़िया से नहीं कर पाता है, इस वजह से मुझे इसका स्किन पे बेबी लोशन क्रीम जो आता है मैं उसको अप्लाई करती हूँ पर डे बेसिस पे। तो ये देखिए ये ना लगाना ही नहीं चाहता है, तो मुझे ही ये चीज़ कर देना पड़ता है। और ये बहुत खुश था, ये देखिए गिफ्ट मेरे लिए तैयार किया था, हैंडक्राफ्ट बनाया हुआ था। और ये देखिए मुझे दे रहा है कि मम्मा मैं मदर्स डे पर आपको मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ, देखो कैसा है। और बच्चे इतना खुश हो जाते हैं, कुछ भी हैंडक्राफ्ट बनाइए और उसको दिल से देखिए तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और फिर से मैं नहाने वहाने के बाद ये देखिए कैमरा सेट में कर रही थी, और ये बेटी मेरी कूद के आ जाती है, इसका शरारत बहुत रहता है, कहने के लिए तो बड़ी हो गई है देखने में, लेकिन शरारत बच्चे माँ से अगर ना करे तो फिर बच्चे कहेगा। और मैं आज सब्जी में बनाने वाली थी आलू और बोदी का सब्जी। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने आलू को छीला नहीं है और मैं बोदी का सब्जी इसी तरह से बनाती हूँ। और इधर दूध भी बॉयल हो चुका था मेरा। कोमल हाथ मुंह धो करके आ गई थी नाश्ता ले जाने के लिए, क्योंकि मैं व्यस्त थी तो मैंने कहा बेटा नाश्ता निकाल लो, तो वो नाश्ता निकाल रही थी खुद से। और ये देखिए मैंने कढ़ाई पर प्याज तेल वगैरह डाल दिया था, कढ़ाई मेरा हीट हो चुका था पूरी अच्छी तरीके से। और मैं पहले प्याज को भूनूंगी अच्छे तरीके से, फिर उसमें आलू डालूंगी और आलू को फ्राई थोड़ा देर के लिए मैं करूँगी पहले ढक ढक करके। और ये देखिए मेरा आलू जैसे ही पक जाता है उसके बाद मैं इसमें बोदी को छोड़ देती हूँ, फिर इसको अच्छे तरीके से पहले भूनूंगी धीमी धीमी आंच पे और नमक वगैरह सारा ऐड करती जाऊंगी। फिर मैं उसको उलट पुलट के अच्छे से मैं पकाऊंगी पहले धीमी धीमी आंच पे, क्योंकि सब्जियों में कोशिश करती हूँ कि पानी नहीं डालूं, क्योंकि पानी डालने से सब्जी का जो एक टेस्टीपन है वो ख़त्म हो जाता है, इस वजह से मैं पानी डालना अवॉइड करती हूँ। हाँ, नहीं पकने पर जैसे लगे कि नहीं इसमें नहीं पकने वाली है। लगभग लगभग मेरी सब्जी तैयार होने वाली है, और ये आज मैं बना रही थी आलू बोदी का सब्जी, जिसमें मैं एक टमाटर भी ऐड करूंगी। ये देख सकते हैं मैंने टमाटर काट ली है, ये टमाटर बहुत छोटे छोटे से टमाटर थे, इतना इतना सा टमाटर था, और पता नहीं मार्केट में अभी टमाटर सही नहीं आ रहे, बट मुझे टमाटर बहुत पसंद है सब्जी में, इस वजह से मैं जैसे मिले मैं लेके आ जाती हूँ, क्योंकि विदाउट टमाटर मैं सब्जी नहीं बनाती। आपको अगर पसंद है ऐसे ही तो आप बिल्कुल ऐसे बनाइए, बहुत अच्छा बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि टमाटर डालना बिल्कुल कंपलसरी है, ऐसी कुछ बात नहीं है। और ये मैंने मसाला पीसा है हाथ से, इस मसाले में है सरसों और जीरा मरीच और दो छोटी छोटी कलियां हैं लहसुन के, और इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बोदी का सब्जी बनाने में मैं इसमें सरसों ज़रूर यूज करती हूँ। और मैं इसमें इसी में ऐड कर दूँगी थोड़ा सा मिक्स वाला मसाला जो मैं रेगुलर बेसिस पे सब्जी में डालती हूँ वो वाले, ये देखिए, और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर दूँगी। और बस ये रहा कॉमन सा मेथड मेरे सब्जी बनाने का, मैं कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं करती हूँ। और फिर ये लास्ट में मैंने जो सरसों वगैरह मिक्स करके पीसा था, जीरा मिर्च वगैरह, उसको मैं ऐड कर दे रही हूँ, और थोड़ा सा पानी मैंने डाला है करीबन हाफ कप से भी नीचे। और टमाटर को मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर डालूँगी और ढक दूँगी, चलाऊँगी नहीं उसको, वो भाप में स्टीम हो जाने के बाद फिर उसको मैं लास्ट में चलाऊंगी। हो चुका है मेरा दरवाजे पर एक नॉक, मैं देखती हूँ कि कौन है, शायद मुझे लग रहे हैं मेरे पापा। तो बड़ी सामान इधर से घर रहे हैं,
मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है और इतना टेस्टी है, लजीज है, देखने में क्या बताऊं कि मुझे सब्जी देख के ही भूख लग रहा है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं बनाती हूँ आलू गोभी का सब्जी। तो आप भी अपने घर में ट्राई कर ले, इस तरह से मेरे प्रोसेस से एक बार बना करके देख ले, बहुत टेस्टी बनती है और इसका मेथड बिल्कुल ईजी है। दुनिया में खुशियों का खजाना नाना और नानी। ये देखिए नाना मिलने के बाद कितना कोमल खुश दिख रही है, बैठ गई है नाना के किनारे गपशप करने के लिए। नानी कहाँ है, इसको नानी चाहिए रहता है रोज हर एक दिन पे, जितना नजदीक है उतना ही जरूरत है इसको। तो ये देखिए मेरा सब्जी बनके रेडी हो गया है, सब्जी मेरा कंप्लीट हो चुका है बनके और बहुत बढ़िया बना है, फ्लेवर बहुत अच्छा आया है, मैंने इसको टेस्ट किया है। और चावल और दाल ये सब कंप्लीट है और मैं आज बहुत खुश हूँ। पता नहीं कोमल मुझे कुछ सरप्राइज करने वाली है, शायद इसका गुसर पुसर हमको अंदाज़ा लगने पर मजबूर कर दिया है। सच में सरप्राइज है, बताओ क्या सरप्राइज है, क्या समझा, क्या है कुछ? अरे कुर्ती आपके लिए, मेरे लिए, मदर्स डे। हाँ ओ वाव, मेरे लिए है। यही सब प्लानिंग चल रहा था तुम लोग का। लेगीज और दुपट्टा आप समझ के ले लीजिए, क्योंकि समझ ही नहीं आया कौन सा कलर। दीदी तो बोली साड़ी लो, हम लोग के पास इतना पॉकेट मनी भी नहीं था। तो क्या जरूरत था बेटा, ये सब नहीं करते बच्चे लोग, अभी आप लोग पढ़ाई करो फिर ये सब करना जॉब। अच्छा। करने के बाद आप लोग करने में सही है। हाँ हम क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं ना। चलिए हमने गिफ्ट, हम लोग मम्मी पापा होने के नाते इसको गिफ्ट देते हैं, बस इन्होंने कर्जा उतारा है मुझे भी मदर्स डे पर। ये कुर्ती ये देख सकते हैं अभी का अभी ये खुला है, ये देखिए। अच्छा ना सारा राउंड नहीं की था क्या बेटा, इस तरह ही था सारा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे नहीं पहनती लेकिन बच्चे ने मंगा लिया है तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो रही थी इसीलिए। ये देख सकते हैं कुर्ती का लुक कुछ इस तरह कैसे है, वाव तो कलर बहुत अच्छा है बेटा, नेवी ब्लू। हाँ कलर बहुत सुंदर है, कहाँ से दिमाग आ गया तुम लोग को इतना करने का, कहाँ से? अपने तीनों बैठ के घुसुर पुसुर ये लोग का चलता है जब कुछ ओकेजन आता है, बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी, जैसे लगे कि नहीं इसमें गिफ्ट देना बनता है उसमें, बस तीनों भाई बहन मिल करके। ओ अच्छा इसी का प्लानिंग चल रहा था, और मुझे लगता है कि कुछ ही लोग का पैसा भी घट रहा था, मेरे से मांगी हुई थी बट मैंने मना किया। फिर कहाँ से अरेंज हो गया, बाबू वाला ली? हाँ। अच्छा तो थैंक यू सो मच, वेलकम। दीदी तो नहीं है क्योंकि दीदी भी बोली थी कि मम्मा रुकना मैं कुछ करने वाली हूँ, तो फिर हमको नहीं पता था कि ये था, दीदी को आनी ही देती, अभी खोलना नहीं चाहिए था बेटा अभी तुमको। अच्छा इसको सबर नहीं हो रहा है, स्कूल से आते ही खोल के धर दी है कि मम्मी देखो क्या है तुम्हारे लिए। अच्छा चलिए बहुत, हाँ बहुत अच्छा है बेटा, कलर भी बहुत अच्छा है। अच्छा लेगी समझ में नहीं है तो नहीं। अच्छा इसमें प्लाजो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है प्लाजो चल जाएगा। चलिए ऑनलाइन जमाना हो गया है, बच्चे नहीं पूछताछ किए क्या मंगाना है नहीं मंगाना, इनको जो समझ में आया ले मंगवा ली है, फिर कोई बात नहीं बहुत अच्छा है। अभी तो कुर्ती वगैरह मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, गर्मी चल रहा है ना तो ऐसे कॉमन नॉर्मल सा पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो खैर कोई बात नहीं। कुर्ती अच्छा है, पसंद है, कलर भी सुंदर है, और सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे का कारनामा है जो मुझे एक्सेप्ट हुआ, मैंने पसंद किया, और मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे बच्चे ऐसे करेंगे और इस तरह से मुझे सरप्राइज करेंगे मदर्स डे पर। तो कोमल बाबू थैंक यू, और दीदी को भी बोल दीजिए, दीदी आएगी तो व्लॉग देख लेगी। हाँ हाँ दीदी को दिखा देना, वो तो बोली सुबह में हमको ना कि मम्मा कुछ है तुम्हारे लिए सरप्राइज, तो हम तो अंदाज़ा नहीं लगा, हम सोचे चलो कुछ होगा भाई ठीक है, लेकिन इतना बड़ा सरप्राइज है हमको नहीं पता था बेटा। चलो मार्केट गए। हाँ वैसे आया। हाँ अच्छा शाम को। हाँ।
अच्छा। रुपीज तो पूछ लीजिए। क्या रुपीज? 520। अरे वाह, 520 का है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू बाबू। तुम तो मिल के तुम लोग अपना बस मम्मी को सरप्राइज कर दिया। मदर्स डे वाला गिफ्ट मुझे मिल गया है, तो मेरे छोटू के लिए एक लाइक बनता है। और मेरी वीडियो ब्लॉग आज मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और एक गुजारिश कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।